दुर्गा पूजा समितियों को सीसीटीवी कैमरा लगाने के साथ साथ बनाना होगा नियंत्रण कक्ष। बक्सर नगर में कुल 34 दुर्गा पूजा समितियों के द्वारा अभी तक आवेदन दिया गया है और यह बताया गया है कि वह पूजा का आयोजन कर रहे हैं। इस संदर्भ में शांति समिति में हुई बैठक के बाद जानकारी देते हुए नगर थाना अध्यक्ष ने बताया कि बक्सर में जो भी पूजा समितियां पूजा कार्यक्रम आयोजित कर रही हैं उन्हें यह कहा गया है कि अनिवार्य रूप से सीसीटीवी कैमरे लगाएं, साथ ही साथ सीसीटीवी कैमरों के लिए एक नियंत्रण कक्ष की भी स्थापना की जाए। नगर थाना अध्यक्ष संजय कुमार सिन्हा ने बताया कि अभी 34 पूजा पंडाल की सूचना प्राप्त हुई है। अभी कुछ लोग जो है अभी अपना पंडाल का निर्माण नहीं किए, कुछ लोग अभी अपना मन बना रहे हैं, एक दो दिन में वो भी क्लियर हो जाएगा। और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर महोदय के अध्यक्षता में हुआ, सीओ बक्सर सर, वीडियो सर और नगर के जो वार्ड पार्षद महोदय लोग हैं और या उनके प्रतिनिधि लोग आए हुए थे और यहाँ बक्सर के बुद्धिजीवी वर्ग लोग आए हुए थे और पंडाल कमेटी के लोग आए हुए थे। मूल रूप से जो है लोगों को ये निर्देश दिया गया है कि हर पंडाल में सीसीटीवी लगाना अनिवार्य है, साथ ही सीसीटीवी कैमरा के बगल में एक नियंत्रण कक्ष रहेगा और उस नियंत्रण कक्ष में बड़ा सा स्क्रीन रहेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सीसीटीवी स्क्रीन रहे, सीसीटीवी रहे, सीसीटीवी को देखने के लिए एक नियंत्रण कक्ष में एक बड़ा सा स्क्रीन रहेगा, ठीक है, पहला है। और अग्निशमन से या बिजली विभाग से जो है NOC लेना पड़ेगा और किसी तरह का धार्मिक स्लोगन या चित्रण मुद्रण पंडाल या बैनर झंडा विसर्जन के दौरान नहीं रहेगा और DJ पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा, इस तरह का जो है लोगों को बताया गया है। भक्तों का क्राउड को लेकर के ट्रैफिक की क्या है? यातायात का जो है हम हर पंडाल वालों से भी आग्रह किया गया है कि आप लोग वॉलंटियर को तैयार रखें और वो लोग वॉलंटियर रहेंगे और पुलिस और उनके कार्यकर्ता जो है हम लोग मिलजुल कर एक अच्छा यातायात का स्वरूप देंगे ताकि जो श्रद्धालु जो भक्तजन माँ का दर्शन करने आए दुर्गा पूजा के अवसर पर उन्हें यातायात की किसी समस्या से जूझना नहीं पड़े, वो लोग सुगमतापूर्वक माता का आशीर्वाद ले लें। और खास करके धार्मिक उल्लास के साथ ये पर्व मनाया जाना, आज शांति समिति की बैठक में आप क्या कहेंगे? यहाँ से गाइडलाइन जो मिला है उसी के अनुसार अगर सारे पंडाल कमेटी के लोग शांति तरीके से अगर इस पर्व को मनाते हैं तो उत्साह और दुगना हो जाएगा। और हम लोग ये पर्व मास का पूजा करते हैं खुशी लफड़ा और झंझट के लिए नहीं, शांति के लिए, तो ये पर्व को गाइडलाइन के अनुसार मनाया जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा। हरिशंकर त्रिवेदी जी कार्यकर्ता, आज शांति समिति की बैठक में आपको क्या निर्णय लिया? बहुत अच्छा रहा, प्रशासन से हर पहलू पर बात होती है। थाना में अभी शांति समिति की बैठक था, सम्मानित वार्ड पार्षद थे, हर पीस कमेटी के अथी थे, जो दुर्गा पूजा के जो अध्यक्ष सचिव थे उस लोग थे, शांतिपूर्ण माहौल में हर बारीकियों से बात हुआ, लाइसेंस से लेकर लैंड ऑर्डर से ट्रैफिक व्यवस्था पर भी, और जिला प्रशासन हर तरह जैसे पिछला बार बढ़िया व्यवस्था था इस बार भी करेगा और उसमें बिजली विभाग और अग्निशामक का जो है उससे NOC लेकर लाइसेंसधारी ले सब लोग हम लोग लाइसेंसधारी ले गए। संजय सिंह राजनेता जदयू। हर वर्ष की तरह जो निर्णय होता है, जो गाइडलाइन होता है वो जारी किया है, कुछ विशेष तौर पर जोड़ा गया कि DJ विसर्जन के समय नहीं रहेगा, हर पंडाल वाले को एक CCTV कैमरा लगा के और वहाँ पर LCD लगाना है ताकि कोई भी अपराध हो तो उसकी जानकारी मिल सके, और अपना लाइसेंस 30 तारीख तक देने पर, 25 तारीख तक जमा करने पर 30 तारीख तक में, जो अन्य सालों की तरह इस साल विशेष सुविधा दी गई है कि 30 तारीख तक लाइसेंस सबको निर्गत कर दिया जाएगा और सारा गाइडलाइन लाइसेंस पर रहेगा। बबन सिंह नाम हुआ, मैं वार्ड पार्षद हूँ, वार्ड नंबर 28 का। आप तय करेंगे कि हम क्या दिखाएं क्या नहीं दिखाएं, केवल सवाल होता है, जवाब तो होगा ही।